व्यापारी हिंदी बात करेगा वही देश के व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग व्यापार मंडल की तरफ से आपसे गुजारिश करने आए हैं, नगर पालिका आप अध्यक्ष हैं, पूरे शहर की जिम्मेदारी आपकी बनती है, शहर की प्रथम व्यक्ति की हैसियत से आप यहाँ पे सत्ता में आसीन हैं। हम लोग सिर्फ निवेदन कर सकते हैं, वास्तविक तौर से हम जनता हैं। जब राजा थे तब भी हम प्रजा हैं और आज लोकतंत्र है, अध्यक्ष आप हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, फिर भी हम प्रजा से ऊपर नहीं उठ पाए, तो हमारे पास निवेदन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। हम निवेदन आपसे करेंगे एक ज्ञापन के माध्यम से। मान लिया हमारा निवेदन नहीं सुना गया तो हम 15 दिन बाद, एक महीने बाद फिर दूसरी रवैया अपनाएंगे, फिर तीसरी अपनाएंगे और चौथे में या अंतिम में तो आत्महत्या जनता को करना ही। हम उसी हिसाब से आपसे ज्ञापन में कहेंगे, अध्यक्ष नगर पालिका बस्ती महोदय, आजकल आपके नगर पालिका परिषद के द्वारा व्यापारियों का जबरदस्त उत्पीड़न किया जा रहा है जो बर्दाश्त के बाहर है। एक तो राज्यों केंद्र सरकार के टैक्सों का बोझ से, टैक्स प्रणाली से व्यापारी आहत है, दूसरी तरफ हमारे अपने द्वारा, हमारे अपने व्यापारियों एवं आम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार नगर पालिका परिषद बस्ती अनेकों प्रकार के टैक्स लगा के व्यापारियों का जबरदस्त उत्पीड़न कर रही है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी मांग है, नंबर एक मांग है, व्यापारियों पर थोपा गया लाइसेंस शुल्क समाप्त किया जाए। दूसरा है, व्यापारियों को दी गई किराए की दुकानों के बढ़े किराए पर पुनः विचार किया जाए। तीसरा, हाउस टैक्स वाटर टैक्स में बढ़ी दरें 2021 से पुनर्विचार करके लागू किया जाए। वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था दी जाए। नंबर पांचवा, रोडवेज तिराहे पे बदबूदार बॉक्स को अविलंब हटा के अन्यत्र स्थापित करने की व्यवस्था की जाए। उपरोक्त बिंदुओं को 15 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो बृहद आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद बस्ती की होगी। बड़ी जिम्मेदारी है और जनता ने आपको चुना जाति से ऊपर उठ करके, और हमको यूं लगता है राजनीतिक पार्टियों से ऊपर बहुत ज्यादा आपसे उम्मीदें जनता ने की है। यदि आप खरा उतरते हैं तो स्वागत होगा, अन्यथा लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होगा। तो मैं चाहूंगा इन प्रश्नों के यदि आप लाइव उत्तर हमको दे दें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है, उसने लागू किया है इसका अध्यादेश, आपको हम उपलब्ध करा देंगे। वहाँ से एक रिमाइंडर की तरफ से आया था कि आपका लाइसेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इस नाते फिर हम लोगों ने इसको कहा कि भाई अगर लाइसेंस का प्रदेश सरकार से आया हुआ है तो हम हर जगह पर भिजवा दीजिए नोटिस, कौन लाइसेंस कराएगा कौन नहीं कराएगा उसका कोई दबाव नगर पालिका की तरफ से नहीं दिया जा रहा है कि नहीं तुरंत बनवाइए या मूव किया जाए, लेकिन उस पर जो शासनादेश उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आया हुआ है वही आपको हम दे रहे हैं, कोई लाइसेंस नगर पालिका नहीं बनवा रही है। आपको पहला स्पष्ट कर दें कि नगर पालिका आप जैसा बोले बड़े भाई हैं, उन्होंने कहा कि क्या नाम है नगर पालिका द्वारा थोपा गया लाइसेंस, लेकिन नगर पालिका द्वारा व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो व्यापारी हित की बात करेगा वही देश से राज करेगा, व्यापारी हित की बात करेगा वही देश से राज करेगा। जिंदाबाद मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।